खबर रीवा से है, जहां पुलिस ने जिले भर में हुई 82 चोरियों का खुलासा किया है। 8 सदस्यीय साथी चोर गैंग को पुलिस ने पकड़ा है। साथी चोरों के पास से 400 ग्राम सोना और 24 किलो 900 ग्राम चांदी के बने जेवरात बरामद किए हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 35 लाख रुपए की बताई जा रही है। पकड़े गए सभी बदमाश साथीराना तरीके से वारदात को अंजाम देते थे। इनके द्वारा सुनसान घरों को अपना निशाना बनाया जाता था। बदमाश देर रात लोगों के सोने घरों में खिड़की और छत के रास्ते प्रवेश कर सेंधमारी करते और सोने चांदी से बने जेवरात को लेकर अफुचक्कर हो जाते थे। साथीर गैंग को पकड़ने के बाद पुलिस ने अब राहत की सांस ली है। जिले भर में चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की नाक में दम करने वाले 8 सदस्यीय चोर गैंग का पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने पर्दाफाश किया है। 8 सदस्यीय चोर गैंग ने जिले के कई थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। चोरी की वारदातों के बाद पिछले कई दिनों से पुलिस को इस गैंग की तलाश थी। बीते दिनों मऊगंज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल को मुखबिर के द्वारा चोर गैंग के लौर थाना क्षेत्र में सक्रिय होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके बाद SDOP त्योंथर समरजीत सिंह व मनगवा SDOP कृपाशंकर द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। साथी गैंग के ठिकानों पर दबिश दी गई और 8 सदस्यीय चोर गैंग को पुलिस ने दबोच लिया। पकड़े गए 8 सदस्यीय चोर गैंग ने पुलिस की पूछताछ में मनगवा, मऊगंज, लौर, नईगढ़ी, शाहपुर, हनुमाना गढ़ और सोहागी थाना क्षेत्र में करीब 82 चोरी की वारदातें कबूल की हैं। इसके साथ ही पकड़े गए साथी गैंग में शामिल 7 अपराधी रीवा जिले के ही निवासी हैं, जबकि एक आरोपी राहुल बैस पुरवा थाना झूसी जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश का निवासी है। पकड़े गए सभी बदमाशों से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है, जिसमें चोरी की अन्य वारदातों के अलावा गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों के शामिल होने का खुलासा होने की संभावना भी जताई जा रही है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, काफी बड़ी मात्रा में आज बड़ी संख्या में न सिर्फ चोरियों का खुलासा हुआ है, अपितु बड़ी मात्रा में हमको आज उनका बरामद हुआ है। काफी लंबे समय से हम लोग इस गैंग की तलाश में थे। इस गैंग के द्वारा लगातार नकब देने की सेंधमारी घटनाएं की जा रही थी। पूर्व में जब इस गैंग के कुछ लोगों को पकड़ा गया था, चोरियों पर अंकुश लगा था। उसके पश्चात जेल से बाहर आने के बाद उन लोगों की टीम ने पुनः जो गतिविधियाँ प्रारंभ की थी, पिछले लगभग 1.5 महीने से हम लोगों ने कॉम्बिंग गश्त के दौरान भी प्रयास किया था उनको पकड़ने का, परंतु हमारी टीम को पूरी सफलता नहीं मिली थी। परंतु ये टीम लगातार लगी रही, इसने अपना मुखबिर तंत्र डेवलप किया और मुखबिर की सूचना पर परसों हमको एक साथ 8 लोगों को पकड़ने में, राउंड अप करने में सफलता मिली। इनसे पूछताछ करने के दौरान जब हमको लगा कि इनके द्वारा कई थाना क्षेत्रों में घटनाएं शामिल हैं, तत्काल उन थाना प्रभारियों को भी, चौकी प्रभारियों को भी शामिल किया गया टीम में, और उन्हें पूछताछ करने के दौरान जो जो घटना इनके द्वारा बताई गई उनकी FIR कल बुलाई गई, उनसे मैचिंग करना शुरू किया गया, तो बड़ी मात्रा में मशरूबा इनसे बरामद हुआ है। जैसा कि आपने देखा भी, इसमें 6 लड़के जो हैं उसमें 5 गढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक समरिया के गांव का रहने वाला है और एक सुनोरी क्षेत्र का एक सोनी है, प्लस एक इलाहाबाद का लड़का और है, जो लगातार इनसे इन 6 लोगों के द्वारा चोरी की गई सारी सामग्री लेने का काम ये दो लोग करते थे, जिससे इनको लगातार एक सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ था कि हमारे द्वारा की गई चोरी आराम से बिक जाएगी, बाजार में भटकना नहीं पड़ेगा और लगातार हम इसको अंजाम देते रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। इस नेटवर्क को पुलिस ने ध्वस्त किया है, इसके चलते ही इतनी बड़ी बरामदगी हो पाई है और उन दोनों व्यक्तियों को भी हमने अरेस्ट किया है। और जितनी भी हमारी चोरियाँ थी, जिसमें जो जो वस्तुएँ गई थी, उनसे मैच होकर काफ़ी मात्रा में बरामदगी हुई है। टोटल 8 थानों की 79 चोरियाँ हमने रिकवर की हैं। अभी इससे पूछताछ और जारी है। इनके कुछ साथियों के बारे में इन्फॉर्मेशन और मिली है, तो हमारी टीम अभी लगातार प्रयासरत है। आशा करते हैं कि नेक्स्ट 5-7 डेज में हम इन लोगों को जो फरार हैं इनको भी पकड़ेंगे और इनसे भी अन्य चोरियों का खुलासा होने की और अन्य माल बरामद होने की हमको आशा है। और इस टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसको देखते हुए प्रत्येक घटना जो इन्होंने ट्रेस की है उसके लिए उस घटना के अनुपात में, उस घटना के अनुसार इन लोगों को रिवार्ड भी दिया जाएगा। सर लगभग अभी अगर देखा जाए तो हम लोगों को टोटल